माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका स्वागत करते हैं गाइस। जैसे कि आज बहुत फैंटेस्टिक दिन है गाइस, आपको पता ही है बारिश का मौसम शुरू हो गया है, सावन का महीना लगने वाला है। तो गाइस आपको पता ही है जैसे कि सावन के महीने से पहले पहले जो है लड़कियों के वो जाते हैं सिंदारे पिंदारे जाएंगे, तो उसमें माएँ सबके लिए प्यार भर भर के तोड़ती हैं जवें, और जवें तोड़ने के लिए जी मैदा वैदा इकट्ठा करना पड़ता है। मम्मी ने कल हमसे मंगा लिया था मैदा, और अब तोड़ने के लिए बैठी हुई हैं सब चाची दाई चाची दादी। तो हम आपको दिखाते हैं हमारे घर में जवे तोड़े जा रहे हैं, किस प्रकार तोड़े जा रहे हैं वो दिखाते हैं। देखो गाइस सासू बहू सब लग चुके हैं जवे तोड़ने पे। और माँ जी क्या हाल है? ए सी चल रहे हैं वैसे तो जवे तोड़ने को, बोर्डन जमाना ए सी में सुखाएंगे हम तो का पता। माँ जी किसके लिए तोड़ दिए जवे? पोती। माँ जी अपनी पोती के लिए जवे तोड़ रही है, किसके लिए तोड़ रही है? चाची आप किसके लिए तोड़ रही हो? तेरे बाप को। तो गाइस यहाँ पे डील फिक्स हुई है, पहले ये तोड़वाएंगी अपनी देवरानी के, ये तोड़वाएंगी फिर अपनी जेठानी के, और फिर ये दोनों मिलके तोड़वाएंगी अपनी सासू के। अब बात ये बात है, अरे सर क्या बात, सासू ले जाएगी अपनी ससुराल। अच्छा ससुराल जाने से पहले तोड़वाएंगे? ओहो वरना लगती नहीं। पहले बताओ कुछ खाने को मिला है यहाँ आके? पहले डील होगी, मैं तो ऊपर से इसीलिए आई हूँ कुछ खाने पीने को बनाओ। रसोई पड़ी है बना ले दिए जा हमको। अच्छा तो मिल जाए। माँ जी तुम्हारे कैसे बोलने निकल रहे? रोज रही है ए माँ जी, इस उम्र में रूस का कहाँ जाओगी? कहाँ जा रही हो? चलो तो हमें भी ले चलना। गैस बताओ कहाँ बच रहा है? लड़ो मेरा हिस्सा बताओ तुम जो खाली तेरा। भैया हिस्सा की लड़ाई है, लड़के का हिस्सा अपने का निकाल के धर दिया, मेरे को दी नहीं और मैंने खा ली तो कह रही जो हिस्सा अब छीन के। जलेबी की लड़ाई हो रही है यहाँ पर। हमें सिखाई थी आपने कि उठा खानी है, हमें पता थी हमें पोषण की ज्यादा जरूरत है। आज मेरी दादी से जो है 4-5 घंटा जवा तोड़वा ली है, मेरी बच्ची थक गई आज बेचारी, बहुत अत्याचार हो रहा है। 4-5 घंटा रोज सोती थी, आज उस घंटा में इनसे जवे तोड़वा ली। माँ जी उंगली में दर्द हो रहा बच्ची है, यार मेरी बच्ची से देखे जवा तोड़वा ली, कहीं ना कहीं इनकी बहू, इनकी बहू ने तोड़वाए हैं। बहू जवा तोड़ के हमको, हमारी मम्मी ने हमको जो है आटा मांड के दे दिया है इसको जवे तोड़ने वाला, और रात के बज रहे हैं 11। यूँ कह दी कि मुझे ये आटा टूटा हुआ चाहिए, और हम दोनों को बिठा दिया आटा तोड़ने के लिए। ये क्या बोलते हैं इनको, जवे तोड़ने के लिए बिठा दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी क्या काम कर रही है। बड़ी खुश हो गए आप लोग ये सुन के। बस एक सेकेंड, ये देख सकते हो आप, मम्मी खुद तो सो गई, खुद तो सो गई है। हमें आटा बांट के दे दिया है कि अब ये आटा तोड़ो, और तोड़ोगी नहीं तो सोओगी नहीं। मम्मी ने हमारे साथ ये शर्त रखी है, और हम दोनों को बिठा दिया है यहाँ पे ये तोड़ने के लिए। मतलब कुछ बोलना चाहती है? नो वर्ड्स है, नो वर्ड्स। आई हैव नो वर्ड्स गाइज। क्या करें यार, घर वाले बहुत क्या बोलते हैं उसको, अत्याचार कर रहे हैं, और यूँ कहते हैं ये बच्चे हमारा काम नहीं करते। बस मैं क्या बताऊँ, ये ना काम आते हैं हम तो, ये यूँ कहें इन पर कुछ भी आता। हाँ बेलखनी कहते रहे हैं हमें, फिर भी हम तो फिर भी यूँ सोचे हैं चल कोई ना, माँ बाप हैं थोड़ी सहन कर लेनी चाहिए, पर ये सोचे हैं मैं ज़्यादा बुराई ठीक नहीं है, कल को ब्लॉग देखेंगे तो यही कहेंगे रोटी बंद। प्यारी समझ गई। दो रोटी दे रहे हैं तो आप ही बंद कर देंगे, तो या तो बढ़िया था चुप तोड़ लें बेगी ने कहा बोले जवीन जवान ने तोड़ दें चुप, फिर सुबह इन्हें खाएंगे कहाँ, हमारी बहन के भिजवाएंगे, वो जय जी वो जाता है सिंधारा जाता है घेवर की गैल,
तब ये देना उसके घर पे, तो उसके लिए तोड़े जा रहे हैं। देखो गाइस ऐसे तोड़ लेने चाहिए जब, मैंने एक नया आइडिया ईजाद किया है, काम बिल्कुल जल्दी और फटाफट हो जाएगा। अब ऐसे करो फटाफट फटाफट फेंकते रहो ये तोड़ के। हमारे यहाँ पे जवे का रेट पता है कितना चल रहा है तोड़ने का, 1 किलो के 800 रुपये, 1 किलो के 800 रुपये ले रहे हैं। तो 800 रुपये बचाने के लिए हमारे घर वालों ने हमको लगा दिया, तो आप सोच सकते हो कितने महंगे चीज़ को हम तोड़ रहे हैं फ्री में अपने घर वालों के लिए। मान लिया हम अपने घर वालों पे बोझ है, लेकिन हम फिर भी तोड़ रहे हैं, पूरी रात बैठ के तोड़ेंगे और सुबह उठा देंगे हमें सुबह तड़की तड़क सबसे पहले जल्दी। रम उठने वाले थोड़ी है, डीट है, उठेंगे तो हम अपनी मर्जी से ही। 10 बजे उठूंगी, 10 बजे बोलेंगे उठ गए महारानी, 10 बजे उठेंगे हम, क्योंकि भाई गाइस हम जो है ना इनका नाश्ते वाला टाइम बचा लेते हैं, हम सीधा उठते हैं दोपहर के लंच, खाने का खर्चा बचा रहा है, खर्चा बच रहा है। नहीं तो देखो उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए, बतासे क्या बोलते हैं पापे चाहिए, ब्रेड चाहिए, सैंडविच वैंडविच चाहिए, सॉस चाहिए, या तो बढ़िया हम जो है दोपहर के उठे हैं सूदी रोटी और लस्सी और चटनी खाए हैं और फिर हम सीधे शाम को खाते हैं, तो देख लो हम कितना खर्चा बचा रहे हैं एक टाइम जल्दी ना उठ के। जल्दी ना उठने के फायदे हैं, कभी तुम यही सोचो। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो। कल मैं उठी 9 बजे, दादी पापा कह रहे उठ गए भैमाता, माजी कह रही उठ गए साहब, हाँ उठ तो गए। देखो कितनी रिस्पेक्ट मिलती है जल्दी उठने की, ये फायदे हैं, जल्दी नहीं सॉरी लेट उठने की ये फायदे हैं, कि घर वाले ज्यादा रिस्पेक्ट से बोलते हैं। जब मैं उठती हूँ ना, जब मैं उठती हूँ कहते हैं अभी तो जल्दी उठ गए, थोड़ी सी और रुक जाते और सो जाती, थोड़ी सी और सो लेते, अभी तो धूप नहीं निकली अभी। हमने दोपहर इनके घर के तोड़वाए थे जब हमारे दादी वादी सब बैठे थे, अब हम तोड़ रहे हैं अपने, एक कप चाय में इनके दोपहर अपने जगह तोड़े थे। तुमने क्या बुलाया मुझे? आम नहीं खिलाया एक पीस? तो तू क्या हमारे सारे 2.5 किलो आम तू ही खाएगी? सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे। तीसरा दिन जबरदस्ती जनता को इकट्ठे करे हुए अब वो तोड़वा रहे हैं जवे आज फिर से। माँ जी तुम्हारे जोर जबरदस्ती करके जनता को लाया गया है, जवे तोड़वाए जा रहे हैं, वरना गाइस 800 रुपए के किलो जवे तोड़े जाते हैं गाइस, लेकिन हम तोड़वा रहे हैं बिल्कुल मुफ्त में, सिर्फ एक कप चाय में। 4 बजे इनको चाय दी जाएगी और इनसे जवे तोड़वाए जाएंगे, इतने 4 बजे तक जवे तोड़ेंगी बस गाइस। 3 बज चुके हैं। चाची आप भी मुंह दिखाओ आज का अपना, ब्यूटीफुल मुंह दिखाओ, यू कैन ब्यूटीफुल मुंह दिखाओ। देखो हमारी दादी हर वक्त तैयार बैठी कह लिया जा पूरी फॉर्म में। माँ जी कुछ बोल के सुना ना आज, ए माँ जी बोल दो, माँ जी बोलो, माँ जी रोज जो है ना 1 बजे से लेके 4 बजे तक सोती है माँ जी, हम जो है 3 दिन से रोज उठा रहे हैं, नाटक भी नहीं देख पा रही बेचारी, मोहिनी नाटक देखती है, कभी अनुपमा देखती है, कभी मोहिनी देखती, नाटक तो नहीं छोड़ती। मेरे को जवे पसंद ही नहीं है, हमारे पति को पसंद है, देख रही माँ जी कैसे शब्द बोलती, मैं नहीं खाती जवे मुझे पसंद नहीं। कैसे मम्मी लंबे बच्चे बनाओ? चाची आप बताओ कैसे करते हैं? हमारी मम्मी के आगे इन बातों को मत बोलो, मेरी मम्मी उल्टी करने चल जाएगी सेकंड में। मेरी मम्मी बहुत सफा है, बहुत
पीपीएल खेला है, पूरी फुल फॉर्म बता क्या नंगे फुल फॉर्म बता पीपीएल की, पार्किंग प्रीमियर लीग पीपीएल खेला गाइस हम देख सकते हो, पसीने आ गए अभी, बिल्कुल घास उग जाएगी नीचे, तू क्यों हंस रहा है इतना, तू भी पता चला जा क्या खेत में बैठा है क्या, डिब्बा लेके आए तेरे लिए, नहीं नहीं इतनी ऐसे ही आ रही है, हमारी बुआ जी आई हुई है, बहुत दूर से आई है हमारी बुआ जी, ये कौन है आपको, मेरी सासू माँ है, ये इनकी सासू माँ है, ये इनकी पोती है, वो जवाई है, अच्छा वो जवाई है, ये देवती है और वो पोती है, नहीं वो भी ये बेटी है, ये देवती है, मायला इतनी हेरा फेरी रे, मैं तो बोलता भाग, तो गाइस थोड़ा कंफ्यूजिंग रिश्ता हो रहा है, ये हमारी बुआ जी है, ये उनके साथ आए हुए हैं, उनके रिश्तेदार है ये, ठीक है, और ये दोनों बुआ भतीजी है, ये नहीं बुआ है, गाइस ये दोनों बुआ भतीजी हैं, मिलने आई हुई हैं अपने बुआ जी, टूटी टांग से जो हॉस्पिटल में मिली थी हमसे, मेरे पोते हुए हैं, अच्छा मैं देखने आई हूँ, मैं बधाई हो भाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो भाई, बधाई हो, बधाई हो, अरे भाई बधाई हो, तो फिर तो दावत होनी चाहिए, दावत है, ओहो नितिन क्या, अरे दावत मेरी तो देख इनकी, ये मेरी बेटी है, ये मेरी दामन, ये मेरी बेटी, सेम सिकल की हो रही है वैसे, और हैं औदा मिल गया, एक औदा और मिल गया, एक सुनी और पर तू जी जानते हैं कौन है डगलू क्या गाते लो देखी मैंने सारे हां टिकरे वाले इनके पोता हुआ है इनके, अच्छा ये पड़दादी बन गई जुड़वा बच्चों की, ये सही, समोसे रुकने नहीं चाहिए क्या भाई, आ जाओ चाची एक और आई है, लाइट बंद कर दो, उजाला आ गया, बारिश हो रही, बारिश ना हो रही, क्या क्या हो रहा था वो बताओ, भूपी तुम कैसे कह रही हो, इनकी इनकी तारीख ही नहीं पता लगेगी कब पैदा हुई, हमारी जात लगी ना अपने माँ पे और ना अपने बाप पे, अपनी गई अपनी बुआ पे, ये सारी भतीजी गई है इनकी अपनी बुआ पे, है ना, बड़ी मम्मी गई है कृपा नानी पे, ये ब्लॉग्स भी देख रही, मैं जब भी मम्मी छोटे वाली नानी पे, तुम बात सभी कह रहे डोलने चल दी, लो गाइस बुआ जी ने मंगा दिए हैं रसगुल्ले हमारे लिए, बुआ जी बनी है पहली बार दादी, नहीं पहले बोलती है कि मैं रहती है कि, अच्छा 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 हमें नहीं पता था, तो गाइस बुआ ने मंगा दिए हैं रसगुल्ले,
ले लिए भाई, ले लिए, ये बन गए पापा। चलो भैया कम सब कितने दूर पहुँच गए भैया? बुआ चल दी है गाइस, देख सकते हो भेंट ले रहे हैं हम। इसमें से कर लेंगे दावत, हम तो खूब एडजस्ट कर लें बुआ। अरे कोई बात नहीं, ए बुआ मोटी चिड़िया ले लो। बुआ की पोटली बड़ी सी। अच्छा बुआ पोटली लेके घूम रही हो, देखो पर्स कैसे गले में लटका रखा बुआ ने, कहीं पे तो मांगना पड़े। गाइस ये अपनी लड़की को यहीं छोड़ के जा रही थी, इसको इतनी बकलनी है, पैसे लेते ही बगल। अरे यार मुझे लगा इसके पापा ला रहे हैं इसके। अरे बुआ बाय। वो पीछे डिग्गी में बैठ जाओ। बाय बाय गाइस, सब चिढ़ते हैं एक दूसरे अपनी बहनों से। पूरी मौज मार गई खुशी। अरे चढ़ा चढ़ा।